हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी और आपको वो सब समझ में आ चुका होगा। आज उसी ऑर्डर में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे और आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड की कौन कौन सी पॉसिबल्स रिएक्शन हो सकती हैं, उन सभी रिएक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, कार्बन से एक क्या होगा बताओ, एल्काइल ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा। और इस ग्रुप को हमने आपको क्या बताया था, आई होप आपको याद होगा, इस ग्रुप को हमने क्या बताया था, कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोले थे हम, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीधा बना लो तो और अच्छा समझ में आएगा। ये तो इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे थे बताओ, कार्बोनाइल ग्रुप। और आप देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो सेंस आप समझ चुके होंगे कि जो एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वही कीटोन्स की होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हालांकि मैं इस चैप्टर को आपको डिफरेंट पढ़ाऊंगा कि एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग और कीटोन्स की अलग, तो पहले हम बात एल्डिहाइड की ही करेंगे, नहीं तो आपके दिमाग में ब्लेंड अप हो जाएगा और सब मिक्सचर खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कार्बोनाइल ग्रुप किस तरीके से वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देगा। तो आज हम जरा इसकी स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में वो रह गया था। तो अगर आप देखें कि अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप को अलग बना लूँ मैं कुछ इस तरीके से, भाई कार्बोनाइल तो कीटोन में भी होगा और एल्डिहाइड में भी होगा, अगर यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे तो वो कीटोन हो जाएगा, अगर एक एल्काइल एक हाइड्रोजन होगा जैसे ऊपर है तो वो एल्डिहाइड होगा। क्लियर है ना। चलो तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो आप देखें एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और जब तीन सिग्मा बॉन्ड आएंगी तो आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात नंबर एक, क्लियर। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े रखे हैं कि sp2 में सेफ कैसी होती है बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। चलो तो मैं यहाँ एक बात और कह दूँ कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी सेफ कैसी होगी बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर इसकी यहाँ सेफ की डिस्कस करें तो क्या होगा, जरा आप ध्यान दें बताओ, sp2 में क्या होगा कि तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह की। देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ाया तो वो वीडियोस आप देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे तीन, ये बताओ कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। तो ये तीन आपस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि उसकी सेफ कैसी हो जाए बताओ, ट्राइगोनल। तो कैसे होगी इसको मैं रफ कर लेता हूँ, यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये कार्बन, और इस कार्बन पर क्या होगा बताओ, ये तीन हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑर्बिटल इस तरीके से बताओ, कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होंगी, ये 120 पर। इनके बीच अगर आप एंगल देखें तो ये कितना होगा बताओ, 120। क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे आपको तीन सिग्मा बॉन्ड कौन सी दिखेंगी, भाई ये सिग्मा कौन सी नहीं बनाएगा भाई, अगर आप यहाँ देखें तो कार्बन के साथ ये दो बॉन्ड और भी तो हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी वो कोई एल्काइल ग्रुप होगा भाई, एक एल्काइल ग्रुप होगा, अगर एक हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड होगा, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे तो बताओ वो कौन होगा, कीटोन होगा। तो सेंस अगर मान लो ये एल्डिहाइड होगा तो यहाँ एल्काइल ग्रुप होगा, और एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसके साथ एक पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा तो वहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगी। हाइड्रोजन होगा तो बताओ यहाँ एक एस ऑर्बिटल होगी तो वो उसके साथ एक क्या बनाएगा बताओ, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बताओ दो तो ये बन गई, तीसरी सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा बताओ, ये ऑक्सीजन, सपोज करो ये ऑक्सीजन ही है तो ऑक्सीजन में तो पी ऑर्बिटल्स होगी तो पी ऑर्बिटल एक इसके साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा ये बनाएगी, एक ये बनाएगी, एक ये बनाएगी, तो बताओ तीन सिग्मा बॉन्ड तो बन गई। अब बताओ अगर इसमें एक पाई बॉन्ड भी है तो आपको पता होना चाहिए
पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनती। वो कैसे बनती है बताओ, जब दो पी प्योर पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तब क्या बनती है बताओ, पाई बॉन्ड बनती है। चलो इसको मैं एक आपको, अभी तो आप sp2 का हिसाब किताब समझो, पाई बॉन्ड का हम अलग बना लेंगे। तो इस तरीके से बताओ ये सब क्या होता है, एक प्लेन के अंदर होता है। कहने का मतलब है कि कार्बोनाइल एक प्लेनर होता है, एक प्लेन के अंदर, जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर कार्बोनाइल होगा, ठीक है ना। तो एक प्लेन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है और वो किस तरीके का स्ट्रक्चर रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। मैं आपको इसको एक प्लेन में भी बना के दिखाता हूँ। मान लो ये कोई एक प्लेन है, तो यहां ये कार्बन, कार्बन ने एक दो और ये तीन, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहां एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और बताओ इन सब के बीच कितना एंगल होगा, ये बताओ 120। ये सारे एंगल कितने होंगे बताओ, 120। ये सारे एंगल कितने होंगे, 120। क्लियर है ना। चलो अब क्या होगा, जरा एक बात ध्यान से समझो, आप बताओ यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp2, क्लियर है ना। तो यहाँ कार्बन के दो p ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तीसरा भाई कार्बन के तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, px, py, pz, तो इन दोनों को तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, बट ये प्योर pz ऑर्बिटल बची हुई है, जो बताओ कहाँ होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। बताओ ये कैसी होगी, बताओ प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये इस तरीके से, क्लियर। सिंस सिमिलरली बताओ इस ऑक्सीजन में भी क्या हुआ है, बताओ ऑक्सीजन में भी तो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पी ऑर्बिटल्स होंगे, उसका एक पी ऑर्बिटल तो ओवरलैप में गया है भाई, पी में तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और वो तीनों ही क्या होते हैं बताओ, कैसे होते हैं बताओ, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो एक पी ऑर्बिटल तो यहाँ आ गया, अब बचे दो, तो एक इस तरीके से प्लेन के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो ये बताओ साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, क्लियर। तो यहाँ से कौन सी बॉन्ड बन जाएगी, ये पाई बॉन्ड, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा बताओ, कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसको आगे देखते हैं, तो आप समझ चुके हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है ना। वैसे इसका कोई केमिकल प्रॉपर्टी में यूज नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो अगर आप देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है। अब आप कहोगे सर पोलर कैसे होगा, देखो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन साइड जाएगी, क्यों, तो ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो कि कार्बन ऑक्सीजन, बताओ जब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन साइड आएंगे तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। तो अगर आप देखें तो बताओ ये कैसा हो चुका है, एक पोलर हो चुका है, और पोलर हो चुका है तो इस पर होने वाली जनरली जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो उसका एक आपको हल्का मैकेनिज्म में आपको समझा देता हूँ, जिससे रिएक्शन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान होगा। कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को हम जनरली एनयूज नेगेटिव से दिखाते हैं, इट मीन्स वो स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो, क्लियर। चल तो होता क्या है, जरा ध्यान से देखें कि मान लो कोई एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखो मैं कार्बोनाइल ग्रुप से लेके चल रहा हूँ, इट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में सेम टाइप से होंगी, तो क्या होगा बताओ,
ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर। अब क्या होगा, इस पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल बताओ कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर। और कार्बन पर जब अटैक करेगा तो इस तरीके से उस पर वो ऐड हो जाएगा। और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, कि बेस स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेफिशिएंसी हो। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर। चल तो इस तरीके से कुछ होगा, आप देख लीजिए। तो अगर बल्कि इसको आप कह सकते हो ये केस फर्स्ट टाइप की होंगी, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन इस केस पर होंगी और कुछ केमिकल केसेस होंगी, तो यही बस इतना फर्क होगा कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में। देख लेते हैं उसको भी। केस सेकंड कैसा होगा जरा आप देख लें। कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोनाइल ग्रुप, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो बताओ अगर कोई एक इलेक्ट्रोफाइल पहले आएगा तो क्या होगा, बताओ ये पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये नेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन के पास कौन चला जाएगा पहले, इलेक्ट्रोफाइल। और कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंस अब कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है तो इसलिए वो कार्बन पर अटैक कर जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट वही आना है, आप देख लीजिए दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे बताओ, सेम होंगे। फ़र्क इतना है कि पहले उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है देन इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पहले इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। चल तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, ये कौन होता है बताओ, कार्बोनाइल है, मैं लिख चुका हूँ पहले भी, कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में है। और कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, एक पोलर होता है, और पोलर होने की वजह से मोस्टली एल्डिहाइड की रिएक्शन कैसी होती है बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ चुकी है। चलो अब हम वो बात करेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होंगी, मतलब कौन कौन से रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलो आप पॉज लेकर कॉपी करा करो, ठीक है। चलो तो देखिए मैं भी स्टेप वाइज बात करूंगा। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होगी बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कौन कौन से रिएजेंट होंगे इसके अंदर जरा देखें आप, बल्कि आप इसको ए डाल लीजिए, है ना, इसको ए डाल लो। अब इसके अंदर हम 1, 2, 3 डाल देंगे। पहली देखें आप, सोडियम वाई सल्फाइड। सेकंड देखें HCl। थर्ड देखेंगे आप ग्रेनार्ड रिएजेंट RMGX, कोई भी ले सकते हो आप। फोर्थ देखेंगे अल्कोहल। तो ये चार रिएक्शन होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बी पार्ट देखें तो दूसरा भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होंगी, तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बट यहां क्या होगा, फॉलोड बाई लूज ऑफ वाटर। वाटर का क्या होगा, साथ ही साथ एलिमिनेशन होगा, लूज होगा, ठीक है ना। तो यहां कौन कौन सी होंगी जरा ध्यान दें। फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है NH2। आप इसको शायद जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, हाइड्राजीन, ठीक है। चल थर्ड होता है फिनाइल हाइड्राजीन NH2NH C6H5
फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। फोर्थ होगा सेमी कार्बाइड NH2NH CONH2, इसका नाम क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजाइड की, ठीक है। फिफ्थ लिख लीजिए इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज NH2OH, क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। सिक्स लिख लीजिए C2H5SH, दैट इज इथाइल मरकैप्टन, सिक्स होता है, सेवन कम तो नहीं है ना, आप तो चाह रहे होगे कम हो जाए। NH2NH और टू और फोर पोजीशन पर NO2, बेंजीन रिंग पर है ये, टू पर और फोर पर, इसको बोलते हैं 2,4-DNP, क्या बोलते हैं 2,4-DNP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, 2,4-DiNitrophenylHydrazine, लिखूं क्या, लिख लो आप, थोड़ा तो आप भी लिखो, 2,4-DiNitrophenylHydrazine, ठीक है ना, सब कुछ मैं ही नहीं लिखूंगा, स्पेस कम रह गया है, आप उसी के नीचे लिखना, मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम रिडक्शन, आप इन रिएक्टेंट को देख के टेंशन ना लेना, इनको मैं याद भी करा दूंगा और आपको केमिकल रिएक्शन एक सेकंड के अंदर आ जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, फ्री माइंड होकर वीडियोस देखें, आपको प्रॉमिस है आज वीडियो के लास्ट में सारी केमिकल रिएक्शन करा के ही आपको वीडियो को बंद करना है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री, सारी केमिकल रिएक्शन आप वीडियो के लास्ट में सीख जाओगे, बट आप सीरियसली देखिए, ठीक है ना। फर्स्ट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेकंड होगा क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है बताओ किसकी प्रेजेंस में होता है, अगर आप देखें तो ZnHg+HCl, मतलब जिंक अमलगम को ले लो HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और थर्ड है हमारा वुल्फ किसनर रिडक्शन, कौन सा होगा, वुल्फ किसनर, बताओ वुल्फ किसनर रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, फिनाइल हाइड्राजीन और KOH की प्रेजेंस में, कैसे, फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2/KOH, क्लियर, चलो। और लास्ट है इसका फोर्थ, दैट इज HI-RedP, क्लियर। और थर्ड केमिकल रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, फोर्थ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हम फर्स्ट तो पढ़ेंगे एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7+H2SO4, बताओ कौन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड पढ़ेंगे हम टॉलरेंस रिएजेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज ए टेस्ट भी आपको रीयूज करना पड़ेगा। थर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन वाई सोडियम हाइपोहैलाइड, ऑक्सीडेशन बाय सोडियम
हाइपो सोडियम हाइपो हैलाइड, इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना, स्पेस नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। चलो और फिफ्थ लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम मैं स्पेशल देता हूँ, स्पेशल रिएक्शन, क्या नाम देता हूँ, स्पेशल रिएक्शन। और यहाँ आप फर्स्ट पढ़ोगे स्पेशल में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और सेकंड पढ़ोगे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल सेशन रिएक्शन, थर्ड पढ़ोगे आप कैनिजारो रिएक्शन, और लास्ट है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर, बहुत कम है, हाँ बिल्कुल कम है, आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और मैं आपको इसको याद करने की भी ट्रिक देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार कॉपी कर लीजिए, चल पॉज लेके कॉपी करा करो भाई। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, ठीक है ना, और ये आपको चार रिएजेंट याद करने ही पड़ेंगे, सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, SCN, ग्रेनाड रिएजेंट और अल्कोहल। ये आप देखें तो सब ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, कैसे बताओ, अमोनिया के एक एच को हटाया है और NH2 ग्रुप लगाया, भाई अमोनिया क्या है, NH2.H, इस एच को हटाया है और यहाँ पे क्या लगा दिया बताओ, NH2, तो क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन, वो सॉरी हाइड्राजीन। नेक्स्ट क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन, यानी इसके एक एच को हटा के फिनाइल ग्रुप लगाया है C6H5। भाई फिनाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाले तो देखो फिनाइल ग्रुप लगा दिया। बताओ सेमी कार्बाइड क्या है, बताओ कि जो फिनाइल ग्रुप है वो सॉरी हाइड्राजीन है, उसके एक एच को हटा के CONH2 ग्रुप जोड़ा है। बताओ हाइड्रोक्सिल अमीन क्या है, अमोनिया के एक एच को हटा के OH जोड़ा है, और फिर तो इथाइल मरकैप्टन, गलत लिख दिया, इथाइल मरकैप्टन C2H5SH होता है ना, चेंज कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टन। अब 2,4-DNP को देखो, 2,4-DNP की फुल फॉर्म क्या है बताओ, 2,4-डाइनाइट्रो लिख ही देता हूँ यार, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब एक बात सुनो, पहले तो आप फिनाइल हाइड्राजीन का फार्मूला लिखो, तो फिनाइल हाइड्रोजन का फार्मूला तो ये देखो, NH2NH और या C6H5 रिंग है बेंजीन से जुड़ा हुआ, वो बना दिया भाई, टू फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर लिख लिया, उसके टू पोजीशन पर 1, 2 और 4, 2 और 4 पर मैंने क्या करा बताओ, ये 2 पोजीशन है और ये 4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। बताओ याद हो गया, रिडक्शन बताओ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, और HI Red PP भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये दो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, दो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्लीमेंसन रिएक्शन और वुल्केशनर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम से भी पूछता है, ठीक है ना, कुछ तो एफर्ट मारो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको टेस्ट के लिए भी यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का हम डिस्टिंग्विश कैसे करें तो वो हम बाद में सिखाएंगे, वहाँ फेलिंग और टॉलेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आप देखोगे। और देखिए स्पेशल क्या है, ये एक्चुअली सब नेम रिएक्शन है, ये क्या है बताओ, नेम रिएक्शन है, और मैंने आपको बताया है कि नेम रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलने वाली है आपको, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये नेम रिएक्शन भी आपको याद रखनी है और आपको एग्ज़ाम में भी आएंगी। देखो नेम रिएक्शन का कोई ऐसा विशेष फंडा नहीं होता कि मैं आपको ट्रिक से समझा दूँ, क्योंकि नेम रिएक्शन तो गिवन होती है साइंटिस्ट के थ्रू और वो आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ ये रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा।
तो ओवरऑल कुछ ट्रिक से याद करा, कुछ आप एफर्ट मारिए, बट स्टिल आपको ये सब याद रखना भी पड़ेगा और इनकी हम अब एक एक करके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फटाफट एक बार इसको आप कॉपी एक बार और कर लीजिएगा समय ना हो तो। हाँ आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं एक एक केमिकल रिएक्शन को। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए कोई एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक एसिटाल्डिहाइड एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी सारी रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि उससे आपको करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट है हमारा ए, कौन सा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने फर्स्ट कौन सा पढ़ा था बताओ। ये हमारा कोई एक एसिटाल्डिहाइड एग्जांपल ले लिया मैंने, और इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है बताओ, सोडियम वाई सल्फाइड। कैसे होगा, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, बताओ कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव। कार्बन कैसे हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और ये कैसे हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, जो नेगेटिव होगा वहाँ तो चला जाएगा ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेके जाएगा। और सल्फाइड देखो, थोड़ा आप आइडिया लगाओ, सल्फाइड क्या होता है, SO3 माइनस का 2। जब इसके साथ सोडियम मिलेगा तो सोडियम के पास कैसा चार्ज है, एक प्लस माइनस 2, तो ओवरऑल कितना चार्ज जाएगा इस पर, माइनस 1। तो बताओ जिसके पास माइनस चार्ज होता है वो कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल पे तो। और दूसरा अब यहां से बताओ कौन बचा हुआ है, हाइड्रोजन। जब ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा भाई, माइनस का 1 प्लस का 1, इसलिए सोडियम बाई सल्फाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हाइड्रोजन पर अगर प्लस 1 चार्ज है तो बताओ ये कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने क्या कहा है आपसे कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ दिखाया है, तो कैसे होगा जरा ध्यान से देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड H। अब बताओ ये दो बॉन्ड आ गई, एक पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर क्या बताओ, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पर कौन जाएगा, नेगेटिव, डेट इज न्यूक्लियोफाइल। तो वो न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ, SO3Na, और यहाँ कौन चला जाएगा, H। क्लियर। अब इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एसिटाल्डिहाइड, और इसको जब जोड़ेंगे तो सोडियम बाई सल्फाइड, ये सोडियम बाई सल्फाइड ये एसिटाल्डिहाइड, दोनों को जोड़ के लिख दो क्या बन जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। बताओ चलो सेकेंड कौन सी है बताओ, ये हमने फर्स्ट पढ़ी SCN से रिएक्शन, सिमिलर वे में SCN से रिएक्शन होगी। देखो रिएक्शन करना कोई टफ वर्क नहीं है, बहुत आसान है, बट आपको रीजेंट याद हो, HCN फर्दर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, साइनाइड पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन कौन हो गया बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पर, देन हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड H। बताओ ये कैसा होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, जब नेगेटिव, और ये कैसा हो चुका होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पर कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, डेट इज CN। क्लियर। चलो अब यहाँ एक फंडा है, एक बात आप समझ लीजिए, जब भी कार्बन यहाँ पर कौन जाएगा, H, एच ही तो जाएगा। जब कार्बन के साथ OH और CN जुड़ा हो, अब यहाँ क्या है, यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक एल्काइल या एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं,
साइनोहाइड्रिन। क्लियर? तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा? एसीटल्डिहाइड, ध्यान रख कर लेता हूं मैं, साइनो, क्या नाम होगा? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाएगी। एक और फोर्थ देखें, बताओ फोर्थ किससे होगी? आर एम जी एक्स, दैट इज गिनार्ड रीजेंट। और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपको गिनार्ड रीजेंट से करनी है, आई होप आपको कुछ याद आ रहा होगा, याद आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कोहल का प्रिपरेशन सुनाइए, तो शायद आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो वहाँ पे हमने गिनार्ड रीजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करी थी। और वहाँ आपको मैं बताऊँ, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, अनदर कोई एल्डिहाइड लोगी तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन से रिएक्शन करोगी तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दोनों ही रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पहले फॉर्मल्डिहाइड ले ले रहा हूँ, ठीक है, और CH3MgBr, बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? गिरनार्ड रीजेंट, प्यार से मैं इसको क्या बुलाता हूँ? Gr। ठीक है, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगी तो बताओ, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, और ये रिएक्शन तो आप कई बार कर चुके हो, बताओ ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। आज मिथाइल न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर अटैक करेगा, कैसे? ये H, ये कार्बन, बताओ ऑक्सीजन, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा? ये CH3.MgBr, क्यों? क्योंकि तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। बताओ फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं बताओ? वाटर के साथ उसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बहुत आसान है, बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे बताओ? H इधर, OH इधर, तो क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखो, CH3CH2OH, डेट इज इथेनॉल, CH3, देखो ये आया, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ये CH2, और उसी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ये OH प्लस Mg, एक Br आ जाएगा और एक OH, बताओ ये क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार आप कॉपी करिए इनकी। चल देखिए, इसी रिएक्शन को हम आगे भी प्रोसीड करेंगे, मतलब कि अभी हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करी और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करा। अगर आप यही रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के रेदर देन अगर कोई सा भी एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब मैं यहाँ पे एसीटल्डिहाइड ले ले रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड H, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ CH3MgBr ले ले रहा हूँ, दैट इज गिनार्ड रीजेंट। फर्दर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और आप इसको ब्रेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा ये पार्ट पॉजिटिव रह जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो बताओ कार्बन पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, बताओ हाँ या ना? तो होगा क्या, होगा क्या बताओ? होगा कुछ ये कि जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन पर अटैक करेगा, और ये पूरा MgBr कहाँ अटैक कर जाएगा बताओ? ऑक्सीजन के ऊपर। तो मिथाइल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और MgBr एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, तो क्या होगा ओवरऑल रिजल्ट आप देख लीजिए कि CH3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और ये इस तरीके के बना देता हूँ मैं, O के साथ आ जाएगा MgBr,
और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। क्लियर। फर्दर इसकी हम क्या कराते हैं बताओ, हाइड्रोलाइसिस, वो भी वाटर की प्रेजेंस में, सॉरी एसिड की प्रेजेंस में। और हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो H पार्ट इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। क्लियर। तो जब ऐसा कुछ होगा तो बताओ ये क्या बनेगा, जरा देखो, ये कार्बन, उसके साथ दो CH3 ग्रुप, ये रहे आपके, एक हाइड्रोजन, कुछ ये रहा और OH। बताओ आइसोप्रोपाइल बन गया, क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप ये आइसोप्रोपाइल याद नहीं रख सकते हो तो आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, 1, 2, 3। तो क्या लिखोगे बताओ, प्रोपेन टू ऑल। एक्चुअली ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है, कैसा है, ओल्ड। इसको हम दोबारा अगर IUPAC के अकॉर्डिंग नाम दें तो कहना जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन और टू नंबर पर ऑल, इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। सिमिलरली आप अगर एसिड एल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, प्रोपेनल ले लो, ब्यूटेनल ले लो, पेंटेनल ले लो, एनोदर जो मन चाहे वो ले लो, बट आपको हमेशा 2 डिग्री ही एल्कोहल बनेगी। देखो 2 डिग्री है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर डायरेक्टली 2 कार्बन है। ठीक है ना, चलो। और इसी ऑर्डर में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की लास्ट रिएक्शन होगी हमारी, 4th, एल्कोहल के साथ रिएक्शन। ये कुछ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप ध्यान से देखिए क्या होगा। जरा आप देखो, मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड H ओ, अब इसकी रिएक्शन मैंने कोई अल्कोहल ले लिया, जैसे मान लो मैंने मिथेनॉल ले लिया। बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको याद दिला रहा हूँ इस रिएक्शन को हम जब इस ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वहाँ ग्लूकोज का जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो तुम्हें इस रिएक्शन की दोबारा याद आएगी, और वहाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप पूरा आप भूल चुके होंगे, बट आप नहीं भूलोगे क्योंकि आप मेरे साथ हो, है ना, क्योंकि मैंने तो आपको पहले से ही क्या कर दिया है, क्या कर दिया बताओ, याद में रखने को बोल दिया है। कॉन्फिडेंस रखो, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो, हम लोग नहीं भूल सकते। तो क्या होगा बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं अल्कोहल को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि यहाँ मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिले। तो जरा आप ध्यान दो, ऑक्सीजन पर -2 होता है, एक मिथाइल ने इसको कंप्लीट कर दिया है तो यहाँ तो रह गई -1, और हाइड्रोजन पर तो हमेशा +1। बताओ बात समझ में आ रहा है। चल अब क्या होगा बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये पूरा का पूरा कहाँ अटैक करेगा बताओ, कार्बन पर, और ऑक्सीजन पर कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन। कैसे जगह यार, थोड़ा आपने ये कॉपी कर लिया है, नहीं एक बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इतना पोर्शन मैं रफ करने वाला हूँ, स्पेस नहीं है। आप जरा एक बार इसके आगे चाहे तो आप कॉपी कर लो इतना, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसके आगे का ये पोर्शन रफ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ एक काम करूँ, ये यहाँ लिख दूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहीं बना देते हैं, ठीक है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH, क्या बन गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और IUPAC में इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा बताओ, प्रोपेन टू और, ठीक है ना, और करके डाल दो, बात एक ही है, ठीक है, इसको रफ कर लो। अब जरा यहाँ देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड H, बताओ ऑक्सीजन के साथ तो ये OH हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, कार्बन के साथ ये OCH3 ऐड होगा। और स्टूडेंट्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, और अनस्टेबल को हम इस तरह की ब्रैकेट में लिखाते हैं, और इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। और ये कैसी होती है, अनस्टेबल। तो स्टेबल कैसे हो, फर्दर यहां अल्कोहल द्वारा रिएक्शन करता है, कैसे, देखिए अब मैं अल्कोहल को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं, और देखो वाटर मॉलिक्यूल अब इलिमिनेट होगा,
तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखिए, CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड H और यहाँ दो COCH3 ग्रुप आएंगे, डेट इज मिथॉक्सी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हेमी था, ये फुल्ली एसीटल हो गया और ये कैसा होता है, स्टेपल, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। तो वीडियो हमारी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, नेक्स्ट पार्ट में हम बची हुई केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एक बार पूरी वीडियोस को देख के। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से हमने करना है आप समझ चुके हैं, एक पार्ट मैंने आपको समझाया है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, जो शुरू में हमने एक चार्ट बनाया है कि एल्डिहाइड की कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, वो आपको नहीं भूलना है। अगर आप वो भूल गए तो देखिए होता क्या है, अगर आप बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखें या नीट के क्वेश्चन देखें तो वहाँ आपसे कभी ऐसा नहीं कहेगा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन इससे करा दो, कभी नहीं कह सकता, ठीक है ना। वो इस तरीके से क्वेश्चन मूव करके देगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इससे क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर 12th के बोर्ड एग्जाम पेपर में देखें तो वो या तो नेम रिएक्शन देता है या कंप्लीट द रिएक्शन देता है या इंटर कन्वर्जन दे देता है। तो वो सभी तब पॉसिबल हैं जब आप हर चैप्टर के रिएक्टेंट को याद रखें और उनकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप वीडियोज़ को देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्या यही रिमेनिंग पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।